हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को चार महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी दूंगा जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। और ये जो अपडेट है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला। पहला अपडेट है जो आपके स्क्रीन पे, पूरे नोटिफिकेशन को क्लियर करूँगा, उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर, ठीक है। दूसरा अपडेट ये है कि रिजल्ट को लेके अब सुबुगाहट बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, तो कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और तीसरा अपडेट ये है कि आपका जो बार बार पूछे थे काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का भी आज मैं क्लियर लगभग जो अपडेट मुझे मिला है उसके आधार पे आपको बता पाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो लेवल 7 सबसे ज़्यादा हायर ग्रेड का पोस्ट होता है ये किसी भी ट्रिपल एस सी में, तो लेवल 7 का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, परमानेंट है और एनपीएस यानी पेंशन युक्त है। तो 16 फरवरी 2024 को इसका एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 25 फरवरी है और 16 मार्च तक इसको हम लोग भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको एग्जाम का डेट भी क्लियर कर दिया गया है कि जून 2024 में, यानी कि आपके पास मात्र 3 महीना है। अब मार्च थोड़ा देख लीजिए, अप्रैल, मई और मतलब कि मुश्किल से 3 महीना, 2.5 से 3 महीना, ठीक है। तो 90 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको भी जानेंगे। तो ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ पे ग्रुप बी में ही, ग्रुप बी के समकक्ष है, लेकिन ये ग्रुप सी में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, जो अराजपत्रित नॉन गैजेटेड है। और यहाँ पे पर्ड कोड है 447-1055। तो ऐसे ही सारे ये है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इंस्ट्रक्टर का। तो टोटल 28 पोस्ट हैं, ठीक है। और प्रशिक्षण एवं सेवा सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी ली जा रही है। और जहाँ पे 28 पोस्ट है टोटल इंस्ट्रक्टर, किसका, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों के लिए भी कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे है 47, और ऊपर कितना है डिग्री धारकों के लिए अलग अलग डिप्लोमा डिग्री, मतलब कि यहाँ पे जितने भी थ्योरी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियनों के लिए 28 है और जो प्रैक्टिकल ट्रेड इंस्ट्रक्टर है उनके लिए 47 सीट है इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है। 4490 से लेकर 1,42,000 यानी लेवल 7 का ये पोस्ट है। बिहार में लेवल 6 है लेकिन उत्तराखंड में ये लेवल 7 की पोस्ट है, 21 से 42 वर्ष तक और अराजपत्रित, परमानेंट और पेंशन युक्त है, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन जो सेम एज इट इज जैसे बिहार में था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे CITS अनिवार्यता है। आप लोग देख सकते हैं DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण NCICC यानी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, वही होता है आपका CITS, ये होना चाहिए। ये फीटर में आपका 40 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे किसी तरीके का वेटेज का अनुमान नहीं है, अंदाजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो टोटल CITS वाले ही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ये फीटर के लिए यहाँ पे 30 है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ ये क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे CITS का के कैंडिडेट लगभग ठीक ठाक हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 22 पोस्ट हैं डिग्री के लिए और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 18 हैं, ठीक है। ये आपका जो एज इट इज जैसे BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रिकल, वेल्डर में मैकेनिकल, फिटर में मैकेनिकल, ठीक है, ये यहाँ वेल्डर है तो वेल्डर में भी मैकेनिकल वाले ही जाएंगे, टोटल 9 पोस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये सारा है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल 24 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग एक तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या कहा क्या जा रहा है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पे ध्यान देना है कि इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA या BBA या कोई स्नातक किसी क्षेत्र में, डिप्लोमा 2 वर्षीय अनुभव सहित, ठीक है,
कोई भी स्नातक को चलेगा या किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्ष अनुभव सहित प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि TOT कोर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास TOT है तो TAT व TOT वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस मिल रहा है, जिसमें अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो, संचार कौशल या कक्षा 12 में। इसको थोड़ा क्लियर मैं बता देता हूँ कि जो TOT कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो वो भी हो सकते हैं, या जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले वो भी हो सकते हैं, या कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर या डिप्लोमा स्तर और उसके ऊपर, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पे, ये गणित, तो एक चीज है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और गणित का अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, तो गणित के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो AICT से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से या इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री इन इंजीनियरिंग संबंधित या 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है, अथवा ये आपका जो भी 3 साल का है, ठीक है, वो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, साथ में DGT के अंतर्गत रोडा या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल किसी प्रकार के राष्ट्रीय सिविल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र NCIC से प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी रोडा के अंतर्गत इसकी वैकेंसी है, मतलब कि जो आप CITS किए वो रोडा में किए हो। ठीक है, ये ड्राफ्टमैन सिविल, तो ड्राफ्टमैन सिविल भी यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 6 पोस्ट है। तो वैसे ये यहाँ पे सिविल वाले फैशन टेक्नोलॉजी का ये रहा। ठीक है, तो ऐसे ये सारे पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे मशीनिस्ट का है, तो मशीनिस्ट में भी मैकेनिकल वाले ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए ये स्विंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो स्विंग टेक्नोलॉजी और ये छोटे छोटे पोस्ट हैं। ठीक है, मतलब कि छोटे मतलब कि कम पोस्ट वाले, छोटे पोस्ट कोई भी, सब सारे एक इक्वल पोस्ट, इक्विवेलेंट भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी CTI किए हुए हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे नॉन CTI वाले एलिजिबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा गुड अपॉर्चुनिटी है। ये टर्नर का, टर्नर में ज़्यादा सीट नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग CITS किए हैं वही लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, ये ड्राफ्टमैन मैकेनिक का है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो सिलेबस की बात कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये मैकेनिक मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, तो और ये मैकेनिक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के। तो जो यहाँ पे सिलेबस है वो आपका, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये रहा यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो आपके ट्रेड से क्वेश्चन होंगे 70 और 30 क्वेश्चन होंगे, 10 सामान्य ज्ञान से, 10 कंप्यूटर से, 10 सामान्य हिंदी के, तो टोटल 30 यानी 70 आपके ट्रेड के होंगे। और ये जो भी होगा वो NCVT के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, 30 अंक हेतु प्रशिष्ट 1 का आकलन करें। ठीक है, तो यानी आपका सामान्य 10 अंक का GK, 10 अंक का कंप्यूटर, 10 अंक का हिंदी और NCVT के सिलेबस के अनुसार होगा, बिहार में के जैसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में कुछ अलग तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, और एक तरीके से देखा है तो बहुत ही स्टैंडर्ड बिहार का एग्जाम हुआ है, अलग और भी जितने भी ITI हो, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि, और ये यहाँ पे शुल्क फी तो 300 है अनरिजर्व के लिए, और उत्तराखंड के जो SC ST हैं EWS है उनके लिए 150, और जो दिव्यांग उनके लिए भी 150, OBC के लिए 300। ठीक है, और जो अनाथ है उनके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो BTSC ITI इंस्ट्रक्टर का जो कब तक अपडेट है रिजल्ट जारी करने का, काउंसलिंग का, लेकिन उससे पहले ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर का, ये आपका सामान्य हिंदी का है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग।
और आपका रिजल्ट कब तक BTSC IT इंस्ट्रक्टर का जारी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है कि ये जागरण का है। ठीक है, तो नए वित्तीय वर्ष में उनके लिए ऑपरेटरों की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मेन है उसको देख रहे हैं कि सभी ITI में निदेशकों और अन्य विभाग के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी से शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा यानी इस वित्तीय वर्ष में 2024 में से कम्प्लीट कर जाएगा, यानी मार्च के पहले आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और काउंसिलिंग की जहाँ तक बात है वो आपका फरवरी के अंतिम या मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू कर दिया जाएगा और रिजल्ट आपका होली के आसपास तक जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका अपडेट रहा और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलेंगे। जितना मैं बताया था आपको उसके आसपास जितने भी है वो सेफ है, चाहे वो CTI हो।